हेलो गाइस, जियोलॉजी का पहला रीजनिंग क्लास में आपको स्वागत है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं हम इस बार जो सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन कर चलते हैं। दिया है आउट ऑफ 2000 पीपल 300 प्लेज वॉलीबॉल 500 प्ले क्रिकेट 200 प्ले बोथ वॉलीबॉल एंड क्रिकेट हाउ मेनी नॉट प्ले आइदर ऑफ द गेम। देखिए अगर ये वॉलीबॉल हुआ जो कि दिया है 300, ये क्रिकेट हुआ जो कि दिया है 500, और ये बीच वाला पार्ट बोथ दिया है 200। अगर हम टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल प्ले गेम्स निकालेंगे तो ये होगा ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट माइनस ये वाला पार्ट, क्योंकि ये पार्ट का हम दो बार ले लिए, इस सर्कल में भी लिए और इस सर्कल में भी लिए है। तो हाउ मेनी पीपल आर प्ले एनी गेम प्ले गेम तो होगा 300 प्लस 500 माइनस 200 दैट इज 600। ओके, तो 600 पीपल कोई एक गेम खेल रहे हैं, और गेम जो खेल नहीं खेल रहे तो कितना होगा टोटल 2000 पीपल माइनस 600 दैट इज 1400। ओके 1400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री बॉक्सेस आर कलर रेड ब्लू एंड ग्रीन सो आर थ्री बॉल्स इन हाउ मेनी वे वन पुट द बॉल्स वन इन ईच बॉक्स दैट नो बॉल गोज इनटू द बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर। ओके, तो रेड कलर बॉक्स में रेड बॉल नहीं जाएगा, ब्लू कलर बॉक्स में ब्लू बॉल नहीं जाएगा, ग्रीन कलर बॉक्स में ग्रीन बॉल नहीं जाएगा, ऐसे कितने वे में हम सजा सकते हैं पहले देखते हैं। अगर कोई रूल नहीं लगा तो हम रैंडमली कितने वे में इसे सजा सकते हैं, तो हमारे पास तीन ऑप्शन है रेड ब्लू और ग्रीन के, तो इसे हम 3 के फैक्टोरियल वे में सजा सकते हैं दैट इज 3 × 2 दैट इज 6 वे में सजा सकते हैं। देखते हैं 6 वे क्या क्या होता है, कैसे कैसे सजा सकते हैं। अगर बॉक्स को हम रेड बॉक्स को आर कैपिटल आर, ब्लू बॉक्स को कैपिटल ब्लू बी और ग्रीन बॉक्स को कैपिटल जी लिए और बॉल को स्मॉल आर डी जी लिए, तो पहले हम रेड बास्केट में अगर रेड बॉल डालें तो हमारे पास और दो ऑप्शन रहेगा, हम ब्लू में ब्लू डाल सकते हैं, ग्रीन में ग्रीन डाल सकते हैं, या फिर ब्लू में ग्रीन डाल सकते हैं, ग्रीन में ब्लू डाल सकते हैं। अगर रेड में हम ब्लू बॉल डालें तो ब्लू में हम रेड डाल सकते हैं, ग्रीन में ग्रीन डाल सकते हैं, या फिर ब्लू में ग्रीन डाल सकते हैं, ग्रीन में रेड डाल सकते हैं। अगर रेड बॉल में हम ग्रीन बॉल डालें तो हम ब्लू में रेड डाल सकते हैं, ग्रीन में ब्लू डाल सकते हैं, या फिर ब्लू में ब्लू डाल सकते हैं, ग्रीन में रेड डाल सकते हैं। ये हमारा 6 वे हो गया जिसे हम सजा सकते हैं बॉल को अगर कोई कंडीशन ना दिया हो। तो ये हो गया 6 वे हम जिस वे में बॉल को सजा सकते हैं विदाउट एनी कंडीशंस। यहां से कंडीशन लगाया है कि सेम कलर बॉक्स में सेम कलर का बॉल नहीं जाएगा, तो वो सब हम काट देंगे तो कितना वे में सजा सकते हैं वो हम पाएंगे। ओके, तो रेड बॉल में रेड बॉक्स में रेड बॉल नहीं जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, ग्रीन बॉल बास्केट में ग्रीन बॉल नहीं जाएगा तो ये कट जाएगा, ब्लू बास्केट में ब्लू बॉल नहीं जाएगा तो ये कट जाएगा। तो ये हमारे पास और दो ही वे बचा है जिसे हम इसे सजा सकते हैं, रेड रेड बॉक्स में ब्लू, ब्लू बॉक्स में ग्रीन, ग्रीन बॉक्स में रेड, और रेड बॉक्स में ग्रीन, ब्लू बॉक्स में रेड, ग्रीन बॉक्स में ब्लू। ओके, ये दो वे में हम इसे सजा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स अमर इज डबल ऑफ दैट ऑफ रैंक ऑफ अमर इज डबल ऑफ अकबर। ओके, अकबर का रैंक जितना है उसका 2 times है अमर का, 3 times ऑफ अमिता, अमर का रैंक अमिता का 3 times है, एंड 7 times ऑफ एंथोनी, एंथोनी का 7 times है।
अल्जुमिंग रैंक ऑल रैंक्स आर डिस्टिंक्ट, अगर सबका रैंक अलग अलग है तो सॉम ऑफ रैंक ऑफ अमर अकबर एंड अंतुरी। ओके अमर का रैंक कितना आएगा, लेट एलसीएम हम ले लेते हैं इन दिनों का, तो 7321 × 242 हमका रैंक 42 आएगा। ओके 42 आया तो अकबर का क्या आएगा, 42 / 2 दैट इज 21 आएगा, 42 / 3 दैट इज अभी तक आएगा 14 आएगा, एंड डिवाइडेड बाय 7 दैट इज अंतोनी का आएगा 6। ओके तो ये आ गया, हर किसी का रैंक आ गया। हम अब निकालेंगे अमर अकबर और अंतोनी का रैंक का सम। अमर का आ गया 42, अकबर का आ गया 21, अंतोनी का आ गया 6। 6 7 8 9 4 2 6 तो 69 आ गया इनका रैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है देखिए, यहाँ पे दिया है कि ए टेल्स ओनली लाई ऑन मंडे, मंडे को लाई बोलता है ए, ट्यूजडे को बोलता है और वेडनेसडे को बोलता है, स्पीक्स ओनली ट्रूथ फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक, एंड बी टेल्स लाइज ऑन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड स्पीक्स ओनली ट्रूथ फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। अगर ए की बात हम करें तो ए मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे को झूठ बोलता है एंड ट्रूथ बोलता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अगर बी की बात हम करें तो बी लाई बोलता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को एंड ट्रूथ बोलता है संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे को, ये चारों दिन ट्रूथ बोलता है। ओके तो बोला है कि इफ टुडे बोथ ऑफ देम स्टेट्स दे हैव लाइड यस्टरडे, ए भी बोला, ए बोला कि क्या मैं कल झूठ बोला था स्टेट की, मैं कल झूठ बोला था एंड बी ऑल्सो स्टेट दैट मैं कल झूठ बोला था, तो आज कौन सा दिन है। ओके तो देखो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, इसमें लॉजिकल क्वेश्चन है, बाइनरी लॉजिकल का क्वेश्चन है। तो अगर संडे हुआ आज, आज अगर संडे हुआ तो संडे को ये क्या बोलता है, ये संडे को ट्रूथ बोलता है। अगर ये ट्रूथ बोल रहा है कि मैं कल झूठ बोला था, ओके क्या बोल क्या रहा है, दोनों दोनों बोल रहे कि मैं कल झूठ बोला था। ओके अगर ये ट्रूथ बोल रहा है कि मैं कल झूठ बोला था, इसका मतलब ये सैटरडे को झूठ बोला था, लेकिन क्या ये सैटरडे को झूठ बोला है, नहीं सैटरडे को ये झूठ नहीं बोलता, ये सच बोलता है सैटरडे को, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ओके सेकंड आंसर को चलते हैं, सेकंड ऑप्शन को चलते हैं, ए ए बोल रहा है कि मैं कल झूठ बोला था और आज मंडे है। अगर आज मंडे है तो मंडे को क्या बोलता है, वो झूठ ही बोलता है मंडे को, मंडे को झूठ बोलता है, और मंडे को ये बोला है कि मैं कल झूठ बोला था, इसका मतलब ये एक झूठ है, मैं कल झूठ बोला था जो सेंटेंस वो बोला वो एक झूठ है, इसका मतलब वो झूठ नहीं बोला था, वो सच बोला था। मंडे का पहले दिन क्या है, मंडे का पहला दिन संडे है, संडे को वो सच ही बोलता है, तो ये पॉसिबिलिटी आ गया है हमारा, ये आंसर हो सकता है। देखते हैं बी के केस में, बी के केस में अगर ये मंडे हुआ, मंडे को ये बोलता है सच, अगर ये बोला है कि मैं कल झूठ बोला था, इसका मतलब ये सच बोला है जो सेंटेंस मंडे को वो सच बोलता है, तो इसका मतलब ये कल झूठ बोलता बोला है। क्या ये झूठ बोला है कल, इसका पहले दिन तो संडे होता है, संडे को तो वो सच बोलता है, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके ये भी नहीं होगा, तो चलते हैं ट्यूजडे की तरफ। ट्यूजडे ए ट्यूजडे को क्या बोलता है, ट्यूजडे को झूठ बोलता है, तो इसका मतलब ये झूठ नहीं बोला है, ये सच बोला है। इसके पहले दिन, इसका पहले दिन क्या होता है मंडे, मंडे को क्या ये सच बोला है, नहीं मंडे को झूठ बोलता है, तो ये भी नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी दिनों तो कट गए हैं, चले इसे टेस्ट भी कर लेते हैं। तो थर्सडे, थर्सडे को क्या बोलता है, ये थर्सडे को ट्रू बोलता है। अगर ये बोला है कि मैं कल झूठ बोला था, इसका मतलब ये झूठ ही बोला था। क्या ये झूठ बोला था, थर्सडे का पहला दिन क्या है वेडनेसडे, वेडनेसडे को क्या ये झूठ बोला था, हाँ ये झूठ बोला था, वेडनेसडे को ये झूठ बोलता है, तो ये सही हो गया ए के लिए। बी के लिए देखते हैं, बी थर्सडे को क्या बोलता है, बी थर्सडे को झूठ बोलता है। अगर ये बोला है कि मैं कल झूठ बोला था, ये झूठ बोला है, इसका मतलब ये कल झूठ नहीं बोला था, ये सच बोला था। क्या वेडनेसडे को ये सच बोलता है, हाँ ये वेडनेसडे को सच बोलता है, तो ये भी
कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। ओके तो यही होगा आंसर हमारा, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सपोज थ्री मीटिंग्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स वर अरेंज्ड इन मुंबई दिल्ली एंड चेन्नई, ईच प्रोफेसर ऑफ द ग्रुप अटेंडेड एग्जैक्टली टू मीटिंग। ओके ज्यादा नहीं कि कम नहीं, एग्जैक्टली टू मीटिंग। 21 प्रोफेसर अटेंडेड मुंबई मीटिंग, 27 अटेंडेड दिल्ली मीटिंग, 30 अटेंडेड चेन्नई मीटिंग। हाउ मेनी अटेंडेड बोथ चेन्नई एंड दिल्ली मीटिंग। ओके ये अगर हमारा मुंबई हो गया, ये अगर चेन्नई हो गया, ये अगर दिल्ली हो गया। ओके तो सिर्फ ये वाला पार्ट जिक्र हो रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो एग्जैक्टली टू के द्वारा अटेंड किया गया है, बाकी के सब जीरो है सिंगल। ये वाला, ये वाला, ये तीनों, ये वाला भी जीरो है क्योंकि तीनों को ही अटेंड नहीं किया है एग्जैक्टली टू। तो इसका मतलब ये पोर्सन और ये पोर्सन की बात हो रहा है। ओके ये अगर मुंबई हो गया, ये अगर चेन्नई हो गया, ये अगर दिल्ली हो गया। 21 अटेंडेड द मुंबई मीटिंग, मुंबई मीटिंग का मतलब क्या हुआ, ये एंड ये। ओके ये दोनों क्या हो गया, इसे अगर हम एम सी ले मुंबई और चेन्नई का कॉम्बिनेशन, और इसे हम एम डी ले तो मुंबई और दिल्ली का कॉम्बिनेशन, तो एम सी प्लस एम डी ये दे रखा है 21। इस तरह 27 दिल्ली मीटिंग, दिल्ली मीटिंग का मतलब ये वाला एंड ये वाला, एम डी प्लस सी डी इक्वल टू 27। एंड 30 चेन्नई मीटिंग, 30 चेन्नई का मीटिंग का मतलब एम सी प्लस डी सी इक्वल टू 30। ओके ये दिया है। अगर इसे हमें निकालना होगा क्या, चेन्नई एंड दिल्ली मीटिंग कितने अटेंड किए हैं, मतलब डीसी, चेन्नई दिल्ली मीटिंग ये वाला डीसी का हमें पता करना है। चलिए तो इन दिनों का हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2 एम सी प्लस डी सी प्लस एम डी दैट इज इक्वल टू 7 8 2 2 4 3 7 78। तो सिर्फ एम सी प्लस डी सी प्लस MD क्या होगा, 39 होगा। हमें सिर्फ DC चाहिए तो ये दोनों हम सबस्ट्रैक्ट कर लेंगे तो DC मिल जाएगा यहाँ से। तो MC प्लस MD को हम सबस्ट्रैक्ट करेंगे, MC प्लस MD क्या है 21 है, इसे हम इस इक्वेशन से सबस्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 माइनस 21 दैट इज 18 आ गया हमारा आंसर। ओके इजी क्वेश्चन था, समझने में थोड़ी समय टाइम लग सकता है लेकिन इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 4 डिजिट एटीएम पिन व्हिच रीड सेम फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट आर पॉसिबल। देखो ऐसा नंबर, ऐसा डिजिट जो लेफ्ट टू राइट, राइट से लेफ्ट सेम होता है, इसे हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। पैलिंड्रोमिक नंबर, पैलिंड्रोमिक वर्ड, जैसे हमारा मॉम हो गया, डैड हो गया, ये सब पैलिंड्रोमिक वर्ड होता है। 1001 ये सब पैलिंड्रोमिक नंबर होता है। ओके देखते हैं कितना, पहले हम देखते हैं जीरो से शुरू करते हैं। 0000 एक पैलिंड्रोमिक नंबर आएगा, 0110 आएगा, 0220 आएगा। ओके ऐसे 0990 के तक आएगा। ओके तो यहाँ पे आएगा 10 नंबर ऐसे आएंगे, फिर 1001 1111 1221 ऐसे करके ऐसे भी 10 नंबर आएंगे। 2 में भी 10 नंबर आएंगे, 2001 में, 3003 में 10 आएंगे, ऐसे करके ये भी 0 से 10 तक 10 ही आएंगे। तो 10 × 10 दैट इज इक्वल टू 100 नंबर ऐसे आएंगे। ओके 100 नंबर ऐसे आएंगे, समझ में आ रहा है ना। देखो ये तो 10 ही आएगा, 0 से 9 तक 10 ही 10 ही नंबर होते हैं। ऐसे भी अगर हम जाएंगे तो 0 से 9 तक 10 ही नंबर आएगा, इस तरह अगर जाएंगे, इस तरह कहाँ और जाएंगे तो 10 नंबर आएगा। तो टोटल कितना नंबर आएगा, 10 × 10 100 नंबर ही आएगा। ओके तो इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास, जुड़े रहे हमारे साथ, आगे हम और भी एमसीक्यू लेके आएंगे, सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का। थैंक यू।